किशनगंज और अररिया बॉर्डर पर कनकई नदी लबालब बह रही है, जिसका पानी नेशनल हाईवे 327E को पार करने लगा है। ऐसा नजारा 11 अगस्त 2017 के बाद दोबारा देखने को मिला है। तब फोरलेन पर पानी नदी की धारा के साथ बह रहा था। कनकई नदी का रौद्र रूप देखकर लोग संशय में हैं। उधर आला अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। आइए जानते हैं इस सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के क्या हालात हैं। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश होने से रतवा, कनकई, कृष्णा, बखरा नदी में उफान है। ये नदियां कनकई नदी में आकर गिरती हैं, जो अररिया और किशनगंज बॉर्डर पर विकराल रूप धारण कर लेती है। बीच रोड पर पानी चढ़ने से जोकीहाट और कोचाधामन में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। काशीबाड़ी, डकैता, कदमगाछी, पुरंदाहा और बलिया सहित आसपास के गांवों के लोग बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं। उधर हाईवे पर सैलाब का पानी चढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अररिया जिलाधिकारी ने जोकीहाट का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान एसपी, एएसपी, एसडीएम और स्थानीय विधायक शाहनवाज आलम साथ रहे। किशनगंज बॉर्डर पर हालात बेकाबू होने से अररिया जल संसाधन विभाग की टीम जोकीहाट बीडीओ, सीओ और एसएचओ सहित अन्य अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश मिले हैं और मौके पर कैंप करने के लिए कहा गया है। रात से ही प्राप्त सूचना के अनुसार जो प्रशासन ग्रुप में आया है और जो न्यूज से सूचना मिली है कि बाढ़ आने वाला है, तो उसलिए प्रशासन पूरा एक्टिव मोड में है। कुछ लोगों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है और बाकी लोगों को जो ये सामने देख रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय केसरना में हम लोग शिफ्ट करने का प्लान किए हुए हैं। और अभी जैसे ही कोसी बैराज खुलने वाला है, उसका गेट को और खोला जाएगा तो और पानी का लेवल और बढ़ेगा, इसलिए हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में लोगों को शिफ्ट करेंगे। सर, हाईवे पे पानी चढ़ गया है, इसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? उसको रोकथाम के लिए मतलब इसका तो रोकथाम के लिए अभी वहाँ पे बैग्स का जो व्यवस्था होता है फ्लड कंट्रोल से, वही बैग्स को वहाँ पर फ्लड कंट्रोल की टीम आएगी वहाँ पर।